हरिद्वार में ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर कोतवाली रानीपुर में सीओ ऑप्स निहारिका सोमवाल ने बताया जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुक्ति वर्ष 2018-19 में चलाया गया था, लेकिन कोविड के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भिक्षा से दूर कर शिक्षा देकर शिक्षित करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन कर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं एक माह तक चलने वाला ये महाअभियान 3 चरणों में होगा। साथ ही समय समय पर बच्चों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। मुक्ति माई डीजीपी सर का एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये 2018 में भी चलाया गया था, 2019 में भी चला गया था, परंतु उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया था तो पिछले 2 साल से नहीं था, तो इस साल इसको फिर से रिन्यू करा गया है। ऑपरेशन मुक्ति का जो मेन हमारा एम है वो है भिक्षा नहीं शिक्षा। तो यहाँ पर हरिद्वार, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है, यहाँ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो यहाँ जितने भी सड़कों पर बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें, उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं।